ट्रेलो ब्रिज रो गुटे गुटे प्रोब्लेम अछि तो ए प्रोब्लेम टाको आमे सॉल्व करबा तार कोन गिवन डाटा दे छि तार कोन रिपोर्ट काढिया पई कहि छि तो एबे मु प्रोब्लेम सॉल्व कर छि तमे देखो फर्स्ट आमे प्रोब्लेम टाको देखै कोन दै छि क्वेश्चन इफ ए 8 डिग्री कर्व ट्रायल डिवर्जेस फ्रॉम ए मेन कर्व ऑफ 5 डिग्री इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन इन द लेआउट ऑफ ए पीजी यार्ड कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन एंड द स्पीड ऑन द ब्रांच लाइन इफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मेन लाइन इज 45 किलोमीटर पर आवर तो आमे फर्स्ट कोन दे छि ना 8 डिग्री कर्व ट्रैक टा कोन होछि ना डिवर्जेस अछि 8 डिग्री कर्व ट्रैक्टा कौन अच्छे हमारा डिवर्जेस अच्छे फ्रॉम ए मेन कर्व ऑफ 5 डिग्री इन ए अपोजिट डायरेक्शन माने 8 डिग्री कर्व अपोजिट डायरेक्शन रे के कोटा अछि ना 5 डिग्री कोटा अछि आ 8 डिग्री कर्व टा कोन अछि ना डिवर्जेस अछि देन 5 डिग्री कोटा कोन अछि ना मेन कर्व अछि इन द लेआउट ऑफ बीजी बीजी रे कोन ब्रॉड गॉज यार्ड रे अछि कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन हमको कोन कैलकुलेशन करिया पई दिछि ना सुपर एलिवेशन कैलकुलेशन करिया पई दिछि एंड द स्पीड स्पीड कैलकुलेशन करिया पई दिछि कहार ब्रांच लाइन रो स्पीड कैलकुलेशन करिया पई दिछि इ हमको मैक्सिमम स्पीड हमर केते दिछि ना 45 किलोमीटर पर आवर तो हम एबे जानि गेलु हमको कोन कैलकुलेशन करिवार अछि ना सुपर आउ स्पीड ऑन द ब्रांच लाइन हमको कौन गिवन डाटा दीजिए सब हमें जानते हैं तब हमें कौन कैलकुलेशन फास्ट पॉइंट लिखा कौन कैलकुलेशन करने दीजिए सुपर एलिवेशन गोटे लिखीद सुपर एलिवेशन कैलकुलेशन करने दी सेकंड पॉइंट कौन कैलकुलेशन करने हमको स्पीड कैलकुलेशन करने आम पाखर गिभेन भैल्यू कौन अच्छी ना आम पाखर जी भैल्यू गिभेन अच्छी 1.676 मीटर जी भैल्यूटा 1.676 मीटर कौन आसला फर ब्रॉड गज जो गज विड्थटा हो 1.676 मीटर देन फॉर बीजी देन आमको तार भी भीटा के हमको माने मेन लाइन रो स्पीड के 45 किलोमीटर पर आवर दे दीजिए हमें सेटा लिखि देबा स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर लिखि देबा देन आमको कोन एबे कैलकुलेशन करियर अछि ना ई कैलकुलेशन अछि करियर अछि स्मॉल ई स्मॉल ई रा फार्मूला कोन थिला ना जी भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.27 आर तो जी रो वैल्यू हमको गिवन अछि जी रो वैल्यू केत अछि 1.676 भी रो वैल्यू केत अछि 45 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.27 आ जगह हम कोन करबा आर फार्मूला कोन थिला 1720 डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ कर्व तो हमर एथि डिग्री ऑफ कर्व का कैलकुलेशन करछ ना 5 डिग्री ऑफ कर्व पई हमें एबे कैलकुलेशन करूचे तो ये हमें कौन वैल्यू लिखा ना 5 डिग्री कर्व पई जेतु नउछ तो हमें ये 5 वैल्यू लिखा तो मैं आपको सिंपलीफाई कर देबी 1.676 इंटू 45 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.27 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1720 तो या कैलकुलेसन मुझे कैलकुलेटर कैलकुलेसन कर 7.78 मोर भैल्यू आज तुमने चेक करदेव तुम्हारे कौन भैल्यू आ तो आम इ रैल्यू के गलु ना 7.78 सेंटीमीटर देन आम सेकंड पॉइंट कौन कैलकुलेसन करूँ सेकंड पॉइंट में आम ब्रॉड गॉज द कांट डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी फॉर मेन लाइन मैंने फॉर ब्रॉड गॉज द कांट डेफिशिएंसी द कांट डेफिशिएंसी फॉर मेन लाइन पर हमें कैलकुलेशन करिबा तो आम जानूँ फॉर ब्रॉड गॉज जितने थी कांट डेफिशिएंसी फॉर मेन लाइन पर कितने वैल्यू थाएर 7.6 सेंटीमीटर थर्ड पॉइंट देन आम कौन करा ना थर्ड पॉइंट कैलकुलेशन करिबा थर्ड पॉइंट कौन कैलकुलेशन करिबा द कांट फॉर मेन ट्रैक द कांट फॉर मेन ट्रैक तो कांट फॉर मेन ट्रैक रो फॉर्मूला कौन अच्छी ना आमर इक्विलिब्रियम कांट माइनस कांट डेफिशिएंसी तो इक्विलिब्रियम कांट रा वैल्यू आम पाखर केते गिवन अछि 7.78 वैल्यू आम पाखर गिवन अछि तो कांट डेफिशिएंसी 7.6 वैल्यू आम पाखर गिवन अछि लिखि दवा 7.6 वैल्यू गिवन अछि तो मोर यार वैल्यू कैलकुलेटर आछि 0.18 सेंटीमीटर तो माने चेक कर दो तुमन केते वैल्यू आछि देन हमें द नेगेटिव कांट डेफिशिएंसी देखा देते द नेगेटिव कैंट इक्वाल टू कौन करना ना नेगेटिव कैंट जो हम जो एक पॉजिटिव साइन आस मेन ट्रैक्टा कौन आम कैंट फॉर मेन ट्रैक्टा पॉजिटिव साइन आस तो नेगेटिव कैंटा सेम वैल्यू रोक खाली इटे साइन यार चेंज हो प्लस दिले माइनस हो माइनस दिले प्लस हो माइनस 0.18 सेंटीमीटर देन आम फोर्थ पॉइंट कैलकुलेशन कौन करा ना थियोरिटिकल सुपर एलिवेशन कैलकुलेशन करा कौन कैलकुलेशन करा थियोरिटिकल सुपर एलिवेशन या कौटी प्रोवाइडेड है ना आम मेन लाइन में प्रोवाइडेड है तो या थियोरिटिकल सुपर एलिवेशन कौन फॉर्मूला थी नेगेटिव कैन प्लस कैन डेफिशिएंसी तो आम नेगेटिव कैन वैल्यू के माइनस 0.18 सेंटीमीटर अच्छी प्लस कैन डेफिशिएंसी वैल्यू के 7.6 सेंटीमीटर आमर अच्छी
तो यार एड कला आसो 7.42 सेंटीमीटर। फिफ्थ पॉइंट कौन कैलकुलेशन करवा ना सुपर एलिवेशन फॉर्मूला पुट करके हमें भी माने स्पीड कैलकुलेशन करवा। तो सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला कौन अच्छे सुपर एलिवेशन इक्वल टू जी भी स्क्वायर डिवाइड बाय 1.27 r। तो सुपर एलिवेशन रे हमर केते भाला हमर इटा भाला सुपर एलिवेशन थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन रे वैल्यू भारी आला तो 7.42 हमर सुपर एलिवेशन वैल्यू अछि। तो जी रो वैल्यू केते अछि 1.676 वैल्यू अछि। देन भी रो वैल्यू आपको जणा नै तो भी रो स्क्वायर लिखियो। देन या तळे तळे लिखियो कोन 1.27 r। एटा हमें कहां पई करछु ना 8 डिग्री कर्व पई काढुछु मेन कर्व पई हमें 8 डिग्री मेन कर्व पई काढुछु। तो r रो वैल्यू कोन होला 1720 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लिखो लिखे हम कौन 1.676 इंटू भि स्क्वायर इक्वाल टू भि स्क्वायर इंटु 8 इक्वाल टू कौन हम ना तुम ये भैल्यूटा रोक 1.27 इंटु 1720 इंटु 7.42 दैट इम्प्लाय दैट भि स्क्वायर इक्वाल टू 1.27 इंटु 1720 इंटू 7.42 डिवाइडेड बाई 1.676 इंटू 8 दैट इम्प्लाय दैट भी इक्वाल टू रूट ओवर ऑफ 1.27 इंटू 1720 इंटू 7.42 डिवाइडेड बाई 1.676 इंटू 8 इक्वाल टू दैट इम्प्लाय दैट भी इक्वाल टू वैल्यू हमारा 34.7 किलोमीटर पर आवर। तुम्हारा कितने वैल्यू आसला भी वैल्यू 34.7 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने कैलकुलेटर मार्ग चेक करूँ ए वैल्यू आसी कि नहीं मो कैलकुलेटर वैल्यू आसी। तो या आम कौन करवा ना दिस इज द कौन थियोरिटिकल स्पीड ऑन ब्रांच लाइन बिकॉज कौन भाई मैक्सिमम स्पीड ऑन ब्रांच लाइन सुड नॉट बी मोर देन 24 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम स्पीड आम कैसे किलोमीटर पार होगा दरकार नुह एटा गोटे थियोरिटिकल स्पीड ना कौन स्पीड आम गोटे कौन कैलकुलेशन करते थियोरिटिकल सुपर एलिवेशन तो एटा थियोरिटिकल स्पीड। तो थियोरिटिकल स्पीड जितने थी से मेन जो स्पीडा कौन होगा भिटा जो 34.7 किलोमीटर पर आवर एटा 24 एभव होगा दरकार ना। तो हमें कौन नबा एज्यूम कर भि इक्वाल टू 24 किलोमीटर पर आवर बुझीपाल मैं अथर फास्ट तुमको कहीदेव। देखो ये के तुम 8 डिग्री कर्व का डिवर्जेंस रही फ्रम कह मेन कर्व का मेन कर्व का कितने ना 5 डिग्री इन ए अपोजिट डिरेक्शन। 8 डिग्री अपोजिट डिरेक्शन किए अच्छी ना 5 डिग्री मेन कर्व अच्छी इन द लेआउट ऑफ ब्रॉड गज गेट अच्छे कैलकुलेटर कौन करने कैलकुलेसन कौन करने ना तुम सुपर एलिवेशन कैलकुलेसन करने और स्पीड ऑन द ब्रांच लाइन कहा काटे ना आम ब्रांच लाइन कैलकुलेसन करने सुपर एलिवेशन और स्पीड इफ द मिनिमम स्पीड इन द मेन लाइन इज 45 किलोमीटर माने तार मिनिमम स्पीडा के 45 किलोमीटर देखिए आपको। तो आम कौन कैलकुलेसन फास्ट करेंगे ना सुपर एलिवेशन आ स्पीड दिन कैलकुलेसन कर फास्ट का कैलकुलेसन करवा ना 5 डिग्री कर्व पाई। तो जी क्वांटम कितने हमें देखिए फॉर ब्रॉड गज जितने थी गज विड्थटा आम कैसे अच्छी ना 1.676 मीटर फॉर ब्रॉड गज पाई भी आम स्पीड के 45 किलोमीटर पर आवर दी देन ई आम ई कैलकुलेसन करा ई रहा कौन जी भी स्क्वायर बाय 1.27 आर। तो जी रैल्यू आम कौन करूँ 1.676 इंटू भी रेल अच्छे 45 किलोमीटर स्क्वायर अच्छे डिवाइड बाय 1.27 इंटू ये आज आर फर्म लगा 1.720 डिवाइड बाय जितने डिग्री कर्व आम कैलकुलेसन करूँ से डिग्री टाक पुट करवा। तो आम कितने डिग्री कैलकुलेसन करूँ 5 डिग्री कैलकुलेसन करूँ तो 5 डिग्री टाक आम पुट करदेलु सिंप्लीफाई कर ई रेल मैं कैसे 7.78 सेंटीमीटर मोर आसला। सेकंड आम गोटे फास्ट पॉइंट बुझीगल ई पाई फास्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट आप कौन करूँ ना ब्रॉड गज द कैन डेफिशिएंसी फॉर मेल लाइन जितेबाला ब्रॉड गज प्रेजेंट थी से कैन डेफिशिएंसी फॉर मेल लाइन कहाँपाई ना मेल लाइन पर कैन डेफिशिएंसीटा कौन हम ना मेल लाइन पर कैन डेफिशिएंसीटा हमारा कैसे वैल्यू अच्छे ना 7.6 सेंटीमीटर जितेबाला ब्रॉड गज थी तार कैन डेफिशिएंसी फॉर मेल लाइन के 7.60 सेंटीमीटर। देन थर्ड आम कौन कैलकुलेसन करार अच्छे ना द कैन फॉर मेल ट्रैक मेन ट्रैक आम कैलकुलेसन कर। तो यार फॉर्मूला कौन ना इक्विलिब्रियम कैन माइनस कैन डेफिशिएंसी। तो इक्विलिब्रियम कैन आम वैल्यू बाहर के 7.7 आम आगे कैलकुलेसन कर देखो 7.7 लिख दिल माइनस का लिखल ना कैंड डेफिशिएंसी कैंड डेफिशिएंसी का वैल्यू कहते हैं तुम कहली 7.6 सेंटीमीटर। तो यार मोर वैल्यू माइनस कल को आसला 0.18 सेंटीमीटर। देन आम एटि कौन है मोर कैंड फॉर मेन ट्रैक रही तो नेगेटिव कैंड हमको काढ़ तो नेगेटिव कैंड आम कमी लगे ना जे वैल्यू कैंड फॉर मेन ट्रैक बाहर थोड़ा तार साइन केवल चेंज हो जी माइनस थी प्लस हम प्लस थी माइनस हम माइनस थे प्लस हम प्लस थे माइनस। तो ये प्लस वैल्यू अच्छे तो ये कैसे कौन लिखा ना माइनस पुट करवा दे
देन फोर्थ पॉइंट रे हम कोन करबा ना थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन कैलकुलेशन करबा तो थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन केत कैलकुलेशन करबा ना ताबाई फार्मूला छि नेगेटिव कैन प्लस कैन डेफिशिएंसी तो नेगेटिव कैन हमर बाहर हिज केते वैल्यू -0.18 सेंटीमीटर प्लस कैन डेफिशिएंसी हमर आछै हमर कैन डेफिशिएंसी 7.6 सेंटीमीटर तो ताको कैलकुलेशन करला पर 7.42 सेंटीमीटर मोर आसी देन थ्री पॉइंट रे कोन कैलकुलेशन करिया छै ना सुपर एलिवेशन कैलकुलेशन करिया रछि सुपर एलिवेशन फार्मूला पके के वी कैलकुलेशन करिया छै माने स्पीड कैलकुलेशन करिया रछि फॉर का पई कि मेन मोर ब्रांच लाइन पई कि मोर वी कैलकुलेशन करिया रछि तो मोर सुपर एलिवेशन बाहर छै केते थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन 7.42 सेंटीमीटर बाहर छै देन मो ताको कोन बोली ना 7.42 पुट कर देली जी जगह वैल्यू 1.676 वैल्यू पुट कर देली वी रो वैल्यू मते जाना नै काहे कि ना मोर जो ब्रांच लाइन पई वी रो वैल्यू मते गिवन देनी तो वी वैल्यू कैलकुलेशन कर तो वी वैल्यू मो सेंटी वी ही रख देली तापरे मोर 1.27 इंटू आर आर जगह कोन करबे ना हमें ऑलरेडी 5 डिग्री कर पाई काढ़ी दे तो एटी कहाँ पाई काढ़ू ना ए डिग्री कर पाई तो मैं ए डिग्री पुट कर देली एटा पुट कर देली सिंपलीफाई कली भीर कैलकुलेसन कला तो मोर भी 34.7 किलोमीटर पर आवर आसी बट 34.7 किलोमीटर पर आसला पर एटा कौन ना थियोरिटिकल स्पीड बाहर तो थियोरिटिकल स्पीड ब्रांच लाइन पाई कि बहुत मैक्सिमम स्पीड हो जाए तार मैक्सिमम स्पीड आम 24 किलोमीटर पर आवर ही रही है जो ब्रांच लाइन थी तार थियोरिटिकल स्पीडा सब बेले कहते रहना 24 किलोमीटर पर आवर टू एबव हम एतिक भितर ही रहो बट आम एबव अच्छे तो आम एज्यूम करके 24 किलोमीटर पर आवर बुझीपाल या भितर जब किसी भी तुम्हारे डाउट होती मतलब नेक्स्ट पचार ह्वाट्सअप ग्रुप नंबर पचार मुझे तुमको नेक्स्ट डिस्क्राइब करी आउ गए वीडियो पोस्ट करदेवी थैंक यू।